बिना पार्टी अधूरी सी है, जब तक केक ना कटे मजा ही नहीं आता। बहुत से लोगों को रेड वेलवेट या ब्लैक फॉरेस्ट केक पसंद आता है, लेकिन क्या आपको पता है कि रेड वेलवेट और ब्लैक फॉरेस्ट केक कैंसर का कारण बन सकता है? जी हाँ, अब इस बात में कितनी सच्चाई है, चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आप सभी के साथ कृतिका और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। दरअसल कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की कई बेकरीज से केक के सैंपल लिए गए थे। जांच में पता चला कि 12 अलग अलग प्रकार के केक में कैंसर वाले तत्व मौजूद हैं। रेड वेलवेट और ब्लैक फॉरेस्ट जैसे केक को आकर्षक बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर्स का इस्तेमाल होता है। आर्टिफिशियल कलर्स सेहत के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। केक सैंपल की टेस्टिंग के दौरान इनमें एल्यूरा रेड, सनसेट येलो, FCF, पोन्सो 4R और कार्मोइसिन जैसे कृत्रिम रंगों और तत्वों का पता चला है। रेड वेलवेट और ब्लैक फॉरेस्ट केक को आकर्षक बनाने के लिए जो रंग और दूसरे पदार्थ इसमें डाले जा रहे हैं, उससे कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हो सकती है। बर्थडे पार्टी पर आप जश्न केक काट कर करते हैं, लेकिन ये मीठी चीज आपकी सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, ये बेंगलुरु के मामले से पता चलता है। ऐसे में आपको बेहद सतर्क रहने की जरूरत है, नहीं तो कैंसर जैसी बीमारी का खतरा पैदा हो जाएगा। भारत समेत दुनिया भर के काफी लोग इस खतरनाक बीमारी के शिकार होते हैं और इनमें से कई तो अपनी जान तक गंवा बैठे हैं। अब आप इस खतरे से कैसे बच सकते हैं? देखिए, आप केक या पेस्ट्री ऐसी शॉप से खरीदें जहां आपको क्वालिटी और फूड सेफ्टी का पूरा भरोसा हो, वरना अवॉइड करना ही समझदारी है। बेहतर है कि बर्थडे या किसी और जश्न के मौके पर आप खुद ही प्रेशर कुकर या ओवन में केक बनाएं। अगर आपको केक तैयार करना नहीं आता है तो इसके लिए इंटरनेट पर एक्सपर्ट शेफ के वीडियोस को देखें। केक को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए इसमें किसी तरह का आर्टिफिशियल कलर न मिलाएं। ऐसा करने से आप खुद को और परिवार के बाकी लोगों को सेफ रख पाएंगे। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी स्टोरीज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।